प्रदेश सरकार के दावे अवैध खनन को रोकने के लिए खोखले साबित हो रहे हैं। अवैध खनन करते ट्रैक्टर मौत को दावत दे रहे हैं। ऐसा ही एक वाक्य उस समय हो गया जब दिबियापुर थाने के अंतर्गत जमुआ गांव में एक मासूम 4 वर्ष के बच्चे को अवैध खनन करते ट्रैक्टर ट्राली ने रौंदा, जिससे उसकी वही मौत हो गई। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। सड़क पर जाम लगाकर दिया बच्चे के परिवार ने कोहराम मच गया। गांव वालों ने बताया कि पुलिस रोकती नहीं है, लगातार अवैध खनन ट्रैक्टर करते हैं। कई ट्रैक्टर रात दिन खनन में लगे रहते हैं। वहीं जब इस संबंध में एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया, हमारे यहां से कोई परमिशन नहीं है किसी भी प्रकार का खनन किया जाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिना परमिशन के कोई ट्रैक्टर नहीं निकलने दिया जाता है। कौन सच्चा है और कौन झूठा, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। उसको देखना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ टोटल इस एरिया में बंद कर दिया। परमिशन नहीं है, सिर्फ प्रधान को देते नहीं, नहीं। किसी को भी नहीं दे रहा हूँ। एक प्रधान ले लिया होगा भाई साहब, विकास कार्यों के लिए किसी को नहीं दे रहा हूँ अनुमति। तो सर, जो भी ट्रैक्टर, ये 20 से 25 जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, ये बिना अनुमति के चल रहे हैं? दिबियापुर थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्चे की मौत हुई है अवैध खनन के ट्रैक्टर के चलते, क्या कहेंगे? हमारे चल रहे हैं, ये किस तरीके के ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर किस तरीके से चल रहे हैं? ये परमिशन है कि बगैर परमिशन के चल रहा है? ये नहीं, क्या पैसे लेते हैं कोई इससे ट्रैक्टर को चलवाने में? बिल्कुल पैसे लेते हो, तो गाड़ी चलती ही नहीं। और फिर परमिशन लेते 101 नंबर का मट्टी खोदते हैं 100 नंबर तो वो भी चेक करिए। दिन में कितनी टाइम मट्टी ढोते हैं? दिन में कम से कम सुबह 4 बजे से चलाते हैं, शाम को 8-9 बजे तक चलाते रहते हैं। कितने ट्राली मट्टी? कम से कम 10-15 ट्राली ट्रैक्टर है कम से कम। अभी तो ये चल रहा है फिलहाल, बंद ट्रैक्टर चल रहे, यही चल रहा है अभी तक फिलहाल। दबंगी चलाते हैं, ठाकुर है गाँव के, सोचते हैं हमारी चलेगी, भाजपा की सरकार है, हमारी चलेगी सब कुछ।